ये स्टूडेंट्स अब हम लोग पर्सनल सेफ्टी का वो एस्पेक्ट डिस्कस करने लगे हैं जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स एज ट्रेनर्स अकॉर्डिंग टू एन एस सी नेशनल सेफ्टी काउंसल परसन कंडक्टिंग ट्रेनिंग शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टिक्स अगर कोई बंदा ट्रेनिंग दे रहा है तो उसमें इन करेक्टिस्टिक्स का मिनिमम होना लाजम है फॉर एग्जाम्पल

प्रिंिपल ऑफ लर्निंग अगर आप कोई चीज़ें सीख रहे हैं तो इन असूलों का जानना आपके लिए बहुत लाजम है नंबर वन पीपल लर्न बेस्ट वेन दे आर रेडी टू लर्न वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंसान सीखता है जब वो सीखने के लिए बैठा हो पीपल लर्न मोर इजीली वेन वट दे आर लर्निंग कैन बी रिलेटेड टू सम नो अगर आप कुछ चीज़ पहले से जानते हैं उसको आप आसानी से लर्न कर लेंगे people learn best in the step by step manner. आस्ता स्लो दैन हार्ड दैन डिफिकल्ट अगर आप लोग ईजी टास्क को पहले देखते हैं और डिफिकल्ट को एंड पे देखते हैं तो आपकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी पीपल लर्न बाई डूइंग लोग खुद से एक्सपीरियंस करके जो चीज़ सीखते हैं वो लंबे अरसे तक आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा रहता है द मूव ऑफन पीपल यूज वट दे आर लर्निंग द बेटर दे विल रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड इट सक्सेस इज लर्निंग ये इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट या स्टूडेंट सक्सेस इज लर्निंग टेंस टू स्टिमुलेट एडिशनल लर्निंग आप जब चीज़ ज़्यादा सीखते हैं उसकी डिटेल देखते हैं उसके तमाम वट वेन वाई वेर को देखते हैं वो कंसेप्ट ज़्यादा लंबे अरसें तक आपके जहन निशी हो जाता है पीपल नीड इमीजिएट एंड कंटिन्यूल फीडबैक टू नो इफ़ देव लर्नड अगर आप कोई चीज़ सीख गए हैं तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि क्लासेस में उस्ताद जब लेक्चर डिलीवर करता है तो लेक्चर डिलीवर करने के बाद वो उस्ताद बच्चों से रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं जो बच्चा उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस के आंसर देता है इसका मतलब है कि दो स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक जब वो बच्चे उस टॉपिक अंडरस्टैंड कर लेंगे ऑटोमेटिकली यही हमारा मकसद है फोर स्टेप्स टीचिंग मैथड्स अगर आप लोग कोई चीज़ टीच कर रहे हैं तो उसके फोर स्टेप्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंस है नंबर वन प्रेपरेशन नंबर टू प्रेजेंटेशन नंबर थ्री एप्लीकेशन एंड लास्ट अवेल्यूशन अब प्रपेशन उस्ताद पे डिपेंडेंट है आई एम ड्रीविंग यू अ लेक्चर अगर ये लेक्चर मुझे वेल well प्रपेयर नहीं है हाउ कैन आई टीच यू यू विल नॉट अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट वट आई एम गोइंग टू डिलीवर यू पहला नंबर ही आपका प्रपरेशन का है और जब चीज़ को अच्छा प्रिपेयर आप कर लेंगे तो उसको प्रेजेंट करना है आपके आइडियाज़ आपके कन्सेप्ट आपके थॉट्स प्रेजेंटेबल होने चाहिए जब वो आपके थॉट्स प्रेजेंटेबल होंगे तो उनके जो नतज़ हैं वो बेहतर हासिल होंगे थर्ड एप्लीकेशन लोगों को डिमॉन्सट्रेट करके डूइंग यू शुड प्रोवाइड एग्ज़ाम्पल by डूइंग तो इससे ऑटोमेटिकली आप जब एग्ज़ाम्पल बाय डूइंग देंगे तो वो कंसेप्ट ज़्यादा तक किसी भी स्टूडेंट्स के या एम्प्लाई के जहन में रहेगा अवेल्यूएशन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बिहेवियर को कंपेयर करें कि वेदर द हैज हैर्नड अर नॉट अगर एम्प्लॉँ लर्न कर चुका है या एम्प्लॉ लर्न नहीं कर चुका इन दोनों चीज़ों को हमने जज करना है उसको जज करने के अमल को डे स्टूडेंट्स अवेल्यूएशन कहते हैं अगर इन फोर स्टेप्स को फॉलो कर लिया जाए तो एक अच्छे ट्रेनर की करेक्ट्रिस्टिक्स फुलफिल हो जाती हैं प्रिपेयरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस प्लानिंग इंस्ट्रक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग प्लानिंग क्या है वट यू वॉन्ट टू डू हाउ यू वॉन्ट टू डू अब वट यू वॉन्ट टू डू इसके लिए प्री सेट ऑफ माइंड है काम करने से पहले उसका रफ स्केच वर्क है जब उसका रफ स्केच वर्क प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी प्लानिंग बेहतर हो जाएगी जब प्लानिंग बेहतर होगी तो ऑर्गेनाइजिंग बेहतर होगी जो चीज़ वेल ऑर्गेनाइज होगी उसको कंट्रोल करना आसान होगा जिसको कंट्रोल करना इजी है उसको मॉनिटर करना आसान होगा तो मैनेजमेंट अप्लाई करके आप अपने रिजल्ट्स बेटर वे में अचीव कर सकते हैं अगर यहाँ पे देखा जाए स्टैंडर्डाइजेशन काम जब आप लोग कर रहे होते हैं तो उसको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक करें या स्टैंडर्ड जो सेट किए हैं उसके मुताबिक करें जब उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा तो उस काम में स्टैंडर्डाइजेशन होगी जैसे कि आईएसओ का यही मकसद है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि अगर एक आप पेंसिल भी बना रहे हैं तो वो आपकी पेंसिल अगर 10 लाख पेंसिलें बन रही हैं उन सब का स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए प्रिपेयरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शन लेसन टाइटल एंड नंबर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लर्निंग ऑब्जेक्टिव लर्निंग एड लिस्ट इंस्ट्रक्शन अप्रोच एप्लीकेशन असाइनमेंट एंड लास्ट अवेल्यूशन मैथडोलॉजी डी स्टूडेंट्स ये प्लानिंग इंस्ट्रक्शन है अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा प्रिपेयरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शन आपकी बाकायदा रिजल्ट आप उससे ले सकते हैं और जो ट्रेनिंग का मकसद है वो आपका फुलफिल होना शुरू हो जाएगा प्रजेंटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शन में हम सीखते कैसे हैं टेन परसेंट ऑफ वट इज़ रीड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ रीडिंग कर रहा हूँ ऊपर से देख के तो दस फ़ीसद ये चीज़ मेरे जहन में मेमोराइज हो सकती है ट्वेंटी परसेंट व्हाट इज हेयर्ड बीस फीसद जो आप सुनते हैं वो आपके जहन में बैठ सकते हैं. थर्टी परसेंट वट इज़ सीन आप किसी चीज़ को देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो इस मदद से आप थर्टी परसेंट चीज़ को सीख लेते हैं एंड फिफ्टी परसेंट वट इज़ सीन एंड हीयर्ड क्या आपने किसी चीज़ को सुना और देखा और आप कंसेंट्रेशन से ये दोनों काम कर रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट आप लोग उस चीज़ के रिजल्ट को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस को जानने के लिए लाजम है कि वहाँ पे लेक्चर डिस्कशन मेथड हो आई एम डिलीवरिंग यू अ लेक्चर अगर आप सामने बैठे हों या आप सुन रहे हों आप उसमें पार्टिसिपेट करें तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे अगर आप लेक्चर रिकॉर्डेड को भी कंसनट्रेशन से सुने देखें विजुलाइज करें तो आपके रिजल्ट डिफरेंट होंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड कॉन्फ्रेंस मैथड्स अदर प्रेजेंटेशन मेथड्स, सिमुलेशंस, डीवीडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन ट्रेनिंग ये बेसिकली सब क्या हैं ये मेथड्स हैं इन मेथड्स को यूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशंस को बेहतर बना सकते हैं और जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप अचीव करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी में करने का बायस बनेंगे